6 अप्रैल पिंक मून। इस दिन चंद्रमा अपने फुल फेज में पहुंच जाएगा। अप्रैल की इस पूर्णिमा को पिंक मून भी कहा जाता है। 11 अप्रैल जुपिटर एट सोलर कंजंक्शन। इस दिन जुपिटर पृथ्वी से अपने सबसे दूर के पॉइंट पर पहुंच जाएगा और सूर्य के अपोजिट साइड में स्थित होगा। ये गैस से बना विशाल प्लेनेट आने वाले कई हफ्तों तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहेगा। फिर उसके बाद ये प्लेनेट ईस्ट में सुबह के ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देने लगेगा। 12 अप्रैल मर्करी एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द इवनिंग स्काई। मार्च से अप्रैल 2023 में मर्करी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। 12 अप्रैल 2023 को ये प्लेनेट सूर्यास्त के समय होराइजन से 17 डिग्री की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। 14 अप्रैल वर्लपूल गैलेक्सी इज वेल प्लेस्ड। वर्लपूल गैलेक्सी लगभग आधी रात को आकाश में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी। ये गैलेक्सी केन्स वेनेटिसी कॉन्स्टेलेशन में स्थित है और इसे एक टेलीस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। 15 अप्रैल द मून एट पेरिगी। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अपने सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जो सामान्य से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। 16 अप्रैल क्लोज अप्रोच ऑफ मून एंड सैटर्न। 26 दिन पुराना चंद्रमा इस दिन पूर्वी भोर के आकाश में सैटर्न के 3 डिग्री 11 मिनट से गुजरेगा। 20 अप्रैल हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। यह एक दुर्लभ इक्लिप्स है जो एनुलर और टोटल के बीच शिफ्ट होता है, क्योंकि चंद्रमा की छाया दुनिया भर में मूव करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ऑर्बिट के अनुसार बदलती रहती है, जिससे ये आकाश में बड़ा या छोटा दिखाई देता है। हाइब्रिड इक्लिप्स अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं। सभी सोलर इक्लिप्सेज में से केवल 5% ही इस प्रकार के होते हैं। 20 अप्रैल को ये इक्लिप्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट टिमोर और ईस्टर्न इंडोनेशिया से दिखाई देगा। 22 अप्रैल लाइरिड मीटियोर शावर। जनवरी में क्वाड्रेंटेड्स के बाद लाइरिड पीक में पहुंचने वाली पहली महत्वपूर्ण उल्का वर्षा होगी। लाइरिड उल्का बौछार 16 से 25 अप्रैल तक एक्टिव रहेगी, जो 22 अप्रैल को पीक पर होगी। इस खगोलीय शो को देखने के लिए आपको अपनी नींद का त्याग करना होगा। 21 अप्रैल की रात को आप जितनी देर तक जागेंगे उतने ही ज्यादा उल्का पिंड आपको देखने को मिलेंगे। अंधेरे के अनुकूल होने के लिए आपको अपनी आंखों को कम से कम 20 मिनट देने होंगे। लाइरिड मीटियोर शावर में लगभग 18 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरती हैं। 23 अप्रैल कंजंक्शन ऑफ मून एंड वीनस। 23 अप्रैल को 3 दिन पुराना चंद्रमा शाम के पश्चिम आकाश में वीनस के 1 डिग्री 17 मिनट से गुजरेगा। 2 खगोलीय पिंड टॉरस में होंगे और एक शानदार शो बनेगा। 28 अप्रैल मून एट अपोजी। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी से अपने सबसे दूर के पॉइंट पर पहुंच जाएगा और औसत से थोड़ा छोटा दिखाई देगा। अप्रैल 2023 में सभी प्लैनेट्स की स्थिति। मर्करी। सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में मर्करी को देखने के लिए अप्रैल 2023 एक अच्छा महीना है। ये प्लैनेट महीने के बीच के आसपास शाम के आसमान में अपने फार्देस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। वीनस। वीनस संध्या के समय पश्चिम में प्रकाश के सबसे चमकीले कण के रूप में शाम के आकाश पर शासन करेगा। मार्स। मार्स सूर्यास्त के तुरंत बाद दिखाई देता है। वेस्टर्न होराइजन के ऊपर ये प्लेनेट जल्द ही सूर्य के पीछे से गुजरेगा, इसलिए अप्रैल में इसे देखने का एक अच्छा अवसर है। जुपिटर। जुपिटर अप्रैल में सूर्य के पीछे से गुजरेगा और इसलिए कई हफ्तों तक उसकी चकाचौंध में छिपा रहेगा। सैटर्न अभी प्रेजेंट में सूर्य के पीछे से निकल रहा है और भोर से पहले ईस्टर्न आकाश में दिखाई दे रहा है। यूरेनस वीनस के करीब चमकता है और सूर्यास्त के तुरंत बाद वेस्ट में देखा जा सकता है। नेपच्यून वर्तमान में सूर्य के करीब है और अप्रैल 2023 में आसानी से दिखाई देगा।